आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि एक मेटालिक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, 0.5 केजी पर मीटर। ठीक है, मास दे रखा है इसका 0.5 केजी पर मीटर। इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ऐसा एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ऐसा कुछ जो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, ऐसा। तो अब इसके ऊपर हमने एक रॉड रख दिया है, तो इसका अगर हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू कैसा होगा इसका, ऐसे कुछ दिखेगा हमें, बराबर। ये 30 डिग्रीज और यहाँ पे ये रॉड रखा हुआ है ऐसे पेज के अंदर जाता हुआ। और अब क्या है कि द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे क्या हो रहा है, एक बी हमारी 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और हमने इसके अंदर क्या किया है, एक करंट फ्लो करवा रहे हम। तो क्या होगा कि करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड का, I into L क्रॉस B, बराबर। तो L हमारा क्या हो गया, अंदर की तरफ, और B ऊपर की तरफ। तो L क्रॉस B मतलब ऐसे हम उंगलियां कर्ल करेंगे तो राइट साइड की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस तरफ कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा हमारा, बराबर। ये और ऊपर की तरफ मिला के इधर हमारा फोर्स लगेगा, ये वाला नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो ये फोर्स इधर लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको रेस्ट पे रख रहे हैं। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज, तो हमें पूछा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया हमारा रॉड। मान लेते हैं कि 1 मीटर लेंथ का रॉड ले रखा है हमने, तो इस डायरेक्शन में हो गई नॉर्मल। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्रीज तो ये भी 30 डिग्रीज, ये हो गया 30 डिग्रीज, तो ये हो गया n cos 30 डिग्रीज और ये हो गया n sin 30 डिग्रीज, ठीक है। नीचे लग रहा होगा mg और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ये फोर्स। तो अब हमें क्या मिल गया, फोर्स किसके बराबर हो गया, n sin 30 डिग्रीज के बराबर, और n cos 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी हो गई, mg, ठीक है। तो m हमारा, mg कितना हो गया हमारा, 0.5, ठीक है, इंटू 10, और n इंटू √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 10/√3 न्यूटन। अब हम अगर फोर्स में डाले तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10/√3, मतलब n इंटू साइन 30 डिग्रीज हो गया 1/2, मतलब 5/√3 न्यूटन हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब जो ये फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, I इंटू एल क्रॉस b, मतलब I इंटू एल बी साइन थीटा। अब L और B के बीच में थीटा कितना है हमारा, ये अंदर की तरफ और B ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो ये साइन 90 डिग्रीज हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो फोर्स हमारा हो गया I L B। तो I करंट पूछ रखा है हमें, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 5/√3। तो I इंटू लेंथ हमारी हो गई 1 मीटर, इंटू B हमारा हो गया 0.25, तो ये हो गया 5/√3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 5/1.7 इंटू 25/100, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 20/1.7 एम्पियर हमारा करंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।